स्टूडेंट्स प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज बाय क्रिस्टल्स पे। और प्रॉब्लम यह है कि एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ 0.150 नैनोमीटर आर ऑब्जर्व टू अंडरगो अ फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन एट अ ब्रैग एंगल ऑफ 13.3 डिग्री फ्रॉम अ क्वार्ट्ज SiO2 क्वार्ट्ज क्रिस्टल। व्हाट इज द इंटरप्लैनर स्पेसिंग ऑफ द रिफ्लेक्टिंग प्लेन्स इन द क्रिस्टल। ठीक है, अब प्रॉब्लम में हमें वेवलेंथ गिवन है और इसके साथ साथ हमें फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन की बात की गई है और एंगल हमें दिया गया है ब्रैग एंगल। हम जानते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन में ब्रैग्स इक्वेशन हम यूज करते हैं और क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल है वो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल यानी कि SiO2 क्रिस्टल है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्रिस्टल है। अब उसकी इंटरप्लैनर स्पेसिंग जो है वो फाइंड आउट करनी है जिससे ये फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन हो रही है। अब सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि डिफ्रेक्शन में रिफ्लेक्शन जो है वो कहाँ से हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अगर हम जो है वो स्टडी करें एक्सरे डिफ्रेक्शन जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि एक प्लेन एटम्स का क्रिस्टल में एक प्लेन जो है वो ऊपर होता है एटम्स का। ठीक है, और यहाँ पे जो कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे सपोज के ये ऊपर वाली अरेंजमेंट है एटम्स की। ठीक है, इसके नीचे भी जो है इसी किस्म की अरेंजमेंट होगी एटम की, तो ऊपर वाले एटम की अरेंजमेंट को हम ऊपर वाला प्लेन कहते हैं और नीचे वाले एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से जो है वो हमें नजर आए अगर हम ले लें इस तरह से। ठीक है, तो ये लोअर प्लेन है, ठीक है, नीचे वाला प्लेन है, और इस तरह से इसके नीचे एक और प्लेन ले लें तो वो सेकंड प्लेन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, थर्ड प्लेन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो अब ये इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, फर्स्ट प्लेन के ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अगर हम एक एक्सरे बीम जो है वो इंसिडेंट करें यहाँ पे तो कुछ बीम का पार्ट जो है वो ऊपर से रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि कुछ पार्ट जो है वो ये इंसिडेंट बीम है, सॉरी ये इंसिडेंट बीम स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं, ये इंसिडेंट बीम है तो हम जानते हैं कि इसका कुछ ये पार्ट जो है यानी कि ये इंसिडेंट बीम है और एक बीम जो है वो हम यहाँ पे इंसिडेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि एक पार्ट जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से जो पार्ट रिफ्लेक्ट होता है इसको हम जीरो ऑर्डर रिफ्लेक्शन कहते हैं, और जो यहाँ से इस नीचे वाले प्लेन से रिफ्लेक्ट होगा यहाँ से ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, पहले तो यहाँ पे इंटर होते हुए ये रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्ट होगा फिर रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे और फिर जो है वो आउट चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से चला जाएगा। हमने रिफ्रैक्शन प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं की, हम जस्ट रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम में हमें रिफ्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो है वो डिस्कस किया गया है। ये इंसिडेंट को मैं आई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, रिफ्लेक्टेड को आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब हम देख रहे हैं कि ये वाला जो होगा ये फर्स्ट ऑर्डर होगा और ये वाला जो होगा ये वाला जीरो ऑर्डर होगा, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है तो अब हमने इंटरप्लैनर डिस्टेंस यानी कि इस प्लेन से लेकर इस प्लेन तक का डिस्टेंस जो है वो स्पेसिंग जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं कि ये स्पेसिंग जो है ये डी के बराबर होगी। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करनी है और अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो डाटा जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं कि डाटा हमें क्या गिवन है। हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि एक्चुअली सिचुएशन किस तरह की है और क्या हमने फाइंड आउट करना है। और एक तो हमें वेवलेंथ गिवन है, लैम्डा इज इक्वल टू 0.150 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर प्रीफिक्स को हटाते हैं और 10 की पावर्स में साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखते हैं जो कि है 0.15। ठीक है, जीरो में नहीं डाल रहा यहाँ पे ये वाला, और जस्ट जो है 10 की पावर जो है वो, क्योंकि ये वाला जीरो कैलकुलेशन में हम कंसीडर नहीं करेंगे तो जस्ट 0.15 10 की पावर -9 मीटर आ जाएगा। और इसके साथ साथ जो हमें एंगल गिवन है थीटा, ब्रैग्स एंगल जिसको हम कह रहे हैं थीटा, ये है 13.3 डिग्री। ठीक है, और फिर इसके साथ साथ जो हमने फाइंड आउट करना है वो डी फाइंड आउट करना है, तो n भी हमें गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है तो n जो है वो 1 है। ठीक है, और d हमने फाइंड आउट करना है इंटरप्लैनर स्पेसिंग, वो हमने देख ली कि किस तरह से जो है प्रोड्यूस होगी। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ब्रैग लॉ की यानी कि इसको सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को, तो हम ब्रैग्स लॉ यूज़ करेंगे क्योंकि एक्सरे डिफ्रैक्शन में जो है वो ब्रैग्स लॉ जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो ब्रैग्स लॉ है हमारे पास 2d sin of theta इज इक्वल टू n lambda। ठीक है, तो d हमने फाइंड आउट करना है तो ये हमारे पास फिर आ जाएगी इक्वेशन d इज इक्वल टू n lambda डिवाइडेड बाय
टू साइन ऑफ थीटा। तो आप वैल्यूज पुट करते हैं डी के लिए, सॉल्व करते हैं। अच्छा वैल्यूज पुट करें तो फिर हमारे पास एन जो है वो तो वन है, तो ये आ जाएगा वन मल्टीप्लाइड बाय लेमडा की वैल्यू जो कि हमने स्टैंडर्ड पावर में स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट की है, 0.15 × 10⁻⁹ मीटर है। और फिर हम देख रहे हैं कि टू और डिनोमिनेटर में टू मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें जो है वो गिवन है 13.3 डिग्री। अब स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की मदद से जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है डी के लिए, राउंड ऑफ करने के बाद ये मैं इसे लिखता हूँ 0.326 और साथ में 10⁻⁹। और यूनिट मेरे पास आते हैं मीटर के, और स्पेसिंग जो है वो हम जानते हैं कि एक लेंथ ही होती है। तो अच्छा अब हम 10⁻⁹ जो है इसको हम जो है वो ज़रा सिंपलीफाई करके प्रीफिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो डी इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 0.326 और 10⁻⁹ की जगह मैं लिख देता हूँ नैनो मीटर। तो स्टूडेंट्स ये इंटरप्लैनर स्पेसिंग थी डी जो कि एक्चुअली हमने फाइंड आउट करनी थी।